सीएम पीएम सोता मेरा बच्चा रोता है, जहां न जाए गाड़ी वहां जाए आंगनबाड़ी। आज पूरे बिहार सहित जिले के मुख्य चौक चौराहों को इन्हीं नारों के साथ भारी संख्या में आंगनबाड़ी सहायिकाओं का आक्रोशित और चक्काबंद आंदोलन हड़ताल किया गया और घंटों शहर में जाम की स्थिति बनी रही। सेविकाओं ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध नारेबाजी की और शहर को पूरी तरह से जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन की तरफ से घंटों जाम खत्म करने की कोशिश की गई, बावजूद सेविकाओं का विरोध जारी रहा और जिला अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद सेविका संघ के अध्यक्ष और मुख्य प्रतिनिधि जिला अधिकारी को मिलकर अपना मांग पत्र और ज्ञापन सौंपा। मांग है, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे, जो हम लोग का पूर्व का बकाया मानदेय है उसको दे, और मंथली महीने में जो हम लोग को मांग मजदूरी दी जाती है, मानदेय दी जाती है, उसको मंथली किया जाए। सरकार गुमराह करती है कि मंथली नहीं दे करके सीधे पैसा भेजती है, कितना का मानदेय गबन हो गया उसका कोई हिसाब लेखा जोखा भी नहीं है। तथा सड़क जाम मुक्त किया, इस दौरान आम जनता को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। वहीं सेविका संघ के द्वारा कहा गया कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा और उग्र होगी। इतने कम पैसों में परिवार चलना संभव नहीं और सरकार को हमारी मांगे माननी होंगी। मांग थी क्या आप लोग कर रहे हैं सरकार की ओर से? जो बात है सरकार तक अपने माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मानदेय वृद्धि को लेकर इनका धरना प्रदर्शन राज्यव्यापी चल रहा है, सिर्फ सीतामढ़ी में नहीं है, पूरे बिहार में चक्का जाम है। तो अभी एक प्रतिनिधि संघ हमारे साथ जा रहे हैं, इन साहब से वार्ता करेंगे और इनकी बात हम लोग अपने माध्यम से सरकार तक।